मेरे एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो गए हैं, अब मैं नेक्स्ट क्या करूँ? सो दिस क्वेश्चन ऑलवेज हिट्स इन माइंड। जब हमने 10th क्लास कंप्लीट करी थी तब भी ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आया था कि अब हम आगे क्या करें, किस फील्ड में आगे जाएं। जब हमने हमारा कॉमर्स चूज़ करके 12th क्लास कंप्लीट करी थी तब भी ये दिमाग में क्वेश्चन आया था कि मैं क्या प्रोफेशनल कोर्स परस्यू करूँ, या मैं किस फील्ड में आगे जाऊँ, या मैं क्या कॉलेज डिसाइड करूँ, एनीथिंग। ये क्वेश्चन कि अब आगे क्या करना है, ये हर लाइफ के हर स्टेज में आपको देखने को मिलेगा। सिमिलरली सीए फील्ड की जर्नी में हर स्टेज पे, चाहे वो फाउंडेशन हो, चाहे वो इंटर हो, चाहे फाइनल हो, हर स्टेज पे आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभी सीए इंटर के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं एंड व्हाट टू डू नेक्स्ट इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन विच इज़ आस्क्ड बाय मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स। सो जिनको ज़्यादा कुछ गाइडेंस नहीं मिलती है, या जो फर्स्ट जनरेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं फैमिली के, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होने वाली है। सो देखो, स्ट्रेटेजिकली आपको आपकी जर्नी की तरफ ही मूव करना है, बट वॉट नेक्स्ट? सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंग्रेचुलेशंस टू गाइज फॉर कंप्लीटिंग योर सी इंटर एग्जाम्स, एंड इट इज़ नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीवन फॉर गिविंग एग्जाम्स ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस, डेली उसी शेड्यूल में बैठना एंड वापस से एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना। ऑनेस्टी के साथ, जब आपके पास कोई गाइडेंस नहीं होती है, स्टिल यू ट्राई टू प्रिपेयर एंड कंप्लीट योर जर्नी विथ योर सेल्फ ओनली। सो इट इज़ अ ह्यूज माइलस्टोन फॉर एवरीवन। नाउ अब आगे क्या करना है? सो फर्स्टली गिव टाइम टू योर सेल्फ एंड रिजुविनेट योर सेल्फ टू रिलैक्स एंड टेक अ चिल पिल टू एन्जॉय विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड गिव टाइम टू योर हॉबीज, वॉट एवर यू वॉन्ट टू परस्यू, एंड टू प्रोवाइड योर बेस्ट इन वॉट एवर यू आर थिंकिंग अबाउट ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। जब हम एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तब हमारे दिमाग में जो भी चीज़ें आती है करने के लिए, वो सब आपको अब करनी चाहिए। सो दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू परस्यू दोज थिंग्स विच यू वॉन्टेड अर्लियर, एंड प्लीज़ बी इन द प्रेजेंट। अगर आप अपने एग्ज़ाम रिजल्ट का सोचकर कि मैं आगे कुछ भी परस्यू करूँगा, इससे बढ़िया है कि मुझे पता है मेरा रिजल्ट सही नहीं आएगा, कि मेरे एग्ज़ाम्स कैसे हुए हैं, मैं वापस से प्रिपरेशन में लग जाता हूँ, तो उस चीज़ को आपको नहीं सोचना चाहिए। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, रिजल्ट जो भी आएगा वो एक्शंस तब हम ले लेंगे, और वो सफिशिएंट टाइम आपको मिल जाएगा स्टडी करने के लिए भी, अगर आपको खुद पर थोड़ा बहुत भी डाउट हो रहा है तो। क्योंकि ये चीज़ दिमाग में आती है, एंड सब ये मतलब देखो यार, 10% रिजल्ट आता है तो 90% लोगों के दिमाग में ये बात आना नेचुरल है। सो डोंट थिंक अबाउट दोज थिंग्स, वॉट एवर इट विल हैपन वी विल मैनेज दैट। जो आप पहले चीज़ें करने का सोच रहे थे ना, अब वो आपका करने का मन भी नहीं करेगा, बस वो एग्जाम्स के टाइम पे आपका डिस्ट्रैक्शन होता है जो आपको दूसरी चीज़ों की तरफ ले जाता है। एंड जो मैंने बोला था कि जर्नी के टूवर्ड्स ही आपको कुछ करना है, सो ICI हैज़ मैंडेटेड टू रिक्वायरमेंट्स फॉर अपियरिंग इन योर सी आर्टिकलशिप, विच इज़ वन इज़ ओरिएंटेशन कोर्स एंड सेकेंड इज़ IT ट्रेनिंग विच इज़ कंप्यूटर स्किल्स बेस्ड। सो ये दोनों ट्रेनिंग आपको आपके रिजल्ट आने से पहले कंप्लीट कर लेनी है, जस्ट बिकॉज इट विल नॉट क्रिएट एनी हिंड्रेंसेज और बैरियर इन योर आर्टिकलशिप ज्वाइनिंग। क्योंकि बहुत सारे जो बिग फोर्स और अच्छी फर्म्स होती है, वो जो CV फिल्टर करती है, वो देखती है कि इनकी ये दोनों ट्रेनिंग कंप्लीट हो रखी है, या ये और एक्सटेंशन लेंगे अराउंड 15 to 30 days इन ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के लिए, तो फिर वो दूसरे बंदे को पहले परस्यू करते हैं। सो एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद से लेकर रिजल्ट तक का जो ये बीच का टाइम है, अराउंड 50 days में रिजल्ट आ जाता है, क्या पता इस बार थोड़ा जल्दी आ जाए। सो इस ड्यूरेशन के अंदर आपको आपकी दोनों ट्रेनिंग ट्राई करना है कि आप कंप्लीट कर लो, और रियली ये दोनों ट्रेनिंग काफ़ी इंजॉयबल होती है, यू विल क्रिएट नेटवर्क और कनेक्शंस एंड आपको बहुत मज़ा आएगा। सो ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। सो फर्स्टली आपको इन दोनों ट्रेनिंग्स के लिए रजिस्टर कर लेना है। जैसे ही आपको बैचेस मिले, अराउंड 50 पीपल्स का बैच होता है, तो आपको देखो जैसे ही टाइम मिले और जहाँ भी स्लॉट मिले आपको, वो फर्स्टली ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, बाद में करनी पड़ेगी, इससे बढ़िया आप अभी ख़त्म कर लो ताकि आप आर्टिकलशिप टाइमली स्टार्ट कर पाओ। जो मैं बोल रहा था कि जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है वो यही होती है कि हम एग्ज़ाम्स के रिजल्ट का सोचकर अपनी इन ट्रेनिंग्स पर भी फोकस नहीं कर पाते, जबकि क्योंकि देखो मैं बता रहा हूँ, मेरे केस में भी ऐसा हुआ था, मुझे एक दो सब्जेक्ट्स में डाउट था कि मैं क्लियर नहीं कर पाऊँगा, बट मुझे ऐसा लगता कि यार मैं उसको सब्जेक्ट को वापस पढ़ने लगूँ, या मैं मेरी हॉबीज़ पे ध्यान दूँ और मेरी पर्सनालिटी ग्रो करूँ और इनहेंस करूँ मेरी स्किल्स को। सो मुझे मेरे फ्रेंड ने और मेरे सीनियर्स ने जो सजेस्ट किया था वो यही था कि ट्राई टू फोकस ऑन द प्रेजेंट थिंग्स, रिजल्ट के बाद तेरे पास इनफ टाइम होगा इन चीज़ों को सोचने का, तो अभी जो सिचुएशन में उसको अच्छे से कर। इस कोर्स की जो ड्यूरेशन है 15 डेज होती है, तो इसको ख़राब मत कर और अपना इसमें बेस्ट परफॉर्म कर। सो प्लीज़ ट्राई टू फोकस ऑन दी प्रेजेंट थिंग्स। आपको पता होगा कि आपका एग्ज़ाम कैसे गया, और आपको कहीं ना कहीं आइडिया भी होगा कि आपका रिजल्ट कैसे आने वाला है, बट बिफोर टाइम, बिफोर रिजल्ट, डोंट थिंक और गेट डिस्ट्रैक्टेड विथ योर ओन थाट्स एंड ट्राई टू फोकस ऑन दी प्रेजेंट थिंग्स, वॉट एवर यू आर परस्यूइंग, एंड रिलैक्स योर माइंड।